साथियों नमस्कार, बहुत स्वागत है दोस्तों। मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षक भाई और बहनों के नियमितीकरण को लेकर अब तक की बड़ी खबर, अब तक का ताजा अपडेट आपको इस वीडियो में दे रहे हैं दोस्तों। नियमितीकरण के लिए यहां पर मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षक संघ के ही सक्रिय कार्यकर्ता, यहां पर आप राठौर जी को, अजय पाल सिंह राठौर जी को जानते ही हैं, यहां पर देख सकते हैं विधायक जी के साथ सीधी तौर पर मुलाकात करते हुए नियमितीकरण के मुद्दे पर क्या कुछ अपडेट निकल के आया है आपको इस वीडियो में बताने वाले। आपसे निवेदन रहेगा कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि दोस्तों यहां पर जो पुराना चैनल था उस पर कोई भी वीडियो नहीं आएगी, लेटेस्ट अपडेट इसी चैनल पर आएगा। और नोटिफिकेशन में जाकर आल सेलेक्ट जरूर करें। नियमितीकरण को लेकर अपने चरम स्तर पर मामला चल रहा है। अपडेट जानकारी अब तक की बड़ी खबर बता देते हैं। मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण के लिए अजय पाल सिंह राठौर जी का सफल प्रयास, उन्होंने मुलाकात किया है किन किन मंत्रियों से। आज माननीय प्रभारी मंत्री महोदय सुरेंद्र हनी सिंह बघेल जी से उनके विधानसभा क्षेत्र कुछी में हमारे विधायक महोदय वाल सिंह मैडा जी से उनके निवास पर मुलाकात किया। मुलाकात का उद्देश्य अतिथि शिक्षकों की मांगों को लेकर माननीय मुख्यमंत्री महोदय से बैठक करवाने की बात की गई है। इस पर दोनों से हमें आश्वस्त किया गया, यानी यहां पर देख सकते हैं ये विधायक जी और ये बाल सिंह मैडा जी, इनके द्वारा अतिथि शिक्षकों को आश्वस्त किया गया। अजय पाल जी जब मिले तब उनको आश्वस्त किया गया कि अतिथि शिक्षकों के लिए यहाँ पर हम माननीय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से मुलाकात करवाएंगे और नियमितीकरण के लिए यहाँ पर प्रयास कराएंगे। साथ ही साथ उधर हमारे झाबुआ विधायक माननीय कांति लाल भूरिया जी, यहाँ पर अतिथि शिक्षकों ने इनको जिताने के लिए, दोस्तों आपको ध्यान ही होगा, सफल प्रयास किया है और कांति लाल भूरिया जी को पूर्ण बहुमत से यहाँ पर जिताया है। हम अतिथि शिक्षकों की बात को हमेशा रखने में विक्रांत भूरिया जी भोपाल स्तर से प्रयासरत हैं, ताकि शिक्षक भर्ती से पहले हम अतिथि शिक्षकों के लिए कोई घोषणा हो। हमारा भी प्रयास है कि इस भर्ती से पहले हमारी कोई घोषणा हो। साथियों, हम सभी लगे हुए हैं ताकि हम सभी अतिथि शिक्षकों का भला हो सके। बाकी प्रदेश के जो लोग प्रयास कर रहे हैं वो भी अपने स्तर से लगे हुए हैं। साथियों, हमें सफलता सभी के निस्वार्थ भाव से किए गए प्रयासों से ही मिलेगी। हम निश्चित ही सफल होंगे, बस कर्म करते रहना चाहिए और सफलता अवश्य मिलेगी। तो ये ताज़ा अपडेट है मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षक भाई और बहनों के नियमितीकरण को लेकर। अजय पाल सिंह राठौर जी का अब तक का सफल प्रयास है नियमितीकरण को लेकर। और एक चीज़ यहाँ पर बहुत अच्छी है कि शिक्षक भर्ती से पहले अतिथि शिक्षकों को नियमितीकरण का लाभ मिल जाए। तो दोस्तों, आगे के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। धन्यवाद।